हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम समीर एंड मस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं जो भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है, और इसमें हम बात करेंगे कि स्नातक पार्ट वन में एडमिशन जो होने वाला है 2023 सेशन में, उसके एडमिशन के बारे में बात हम करने वाले हैं, और पार्ट थ्री का जो प्रैक्टिकल या थ्योरी का एग्जाम होने वाला है 17-20 सेशन वाले के कब तक होगा, तीसरी में पीजी का मेरिट लिस्ट या एडमिशन जो होने वाला है वो कब होगा सेशन 2019-21 वाले को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज भी करेंगे आपसे गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो या नोटिफिकेशन लेके आएंगे आपके पास पहुँचेगा फास्ट एंड फ्री। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉकडाउन के समय सीमा पूरी होने के बाद बिहार विश्वविद्यालय में शुरू हो सकेगी प्रक्रिया, जो लॉकडाउन की सीमा जो पूरी हो जाएगा तो उसके बाद जो होगा सही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्नातक एडमिशन पर 3 मई के बाद लिया जाएगा फैसला, यानी जैसे ही 3 मई आता है 3 मई के बाद स्नातक में एडमिशन के लिए प्रक्रिया है जो शुरू कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, बिहार विश्वविद्यालय में पीजी व स्नातक में नामांकन पर फैसला अब 3 मई के बाद लिया जाएगा, यानी 3 मई के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सत्र 2020 और 23 में जो आप एडमिशन करने वाले यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट वाले, वो आपका एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन की समय सीमा पूरी होने के बाद स्नातक व पीजी के अलावा अन्य कोर्सों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा स्नातक और पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं परीक्षाओं के लिए भी छात्रों को अभी इंतजार करना पड़ेगा, यानी जो इंतजार कर रहे हैं, जैसे पार्ट टू वाले जो स्टूडेंट वो इंतजार कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उनको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। विश्वविद्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मई से पहले एडमिशन की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मई से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। हालांकि सूबे के कई विश्वविद्यालय की ओर से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जैसे कि अभी पटना वुमेंस कॉलेज में अभी फिलहाल में एडमिशन की प्रक्रिया यानी ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जहां प्रक्रिया चल रहा है। हालांकि इसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है, यानी बहुत ऐसे आवेदन जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय हैं जहां ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी, वहीं परीक्षाओं की तिथि व कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। इधर बीआरए विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 19-21 के लिए 14,000 से अधिक छात्रों के लिए आवेदन आए, यानी जो पीजी में एडमिशन का अप्लाई किए हैं 15 अप्रैल तक जो अप्लाई किए हैं उनके लिए 14,000 अभी तक एप्लीकेशन आ चुके हैं एडमिशन के, जिसमें अधिक से अधिक कॉमर्स और जो हिस्ट्री वाले हैं वहीं अप्लाई किए हैं। छात्र मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं स्नातक में एडमिशन के लिए कई छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन भरा जाना है, ऐसे में विश्वविद्यालय फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यानी जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा आपकी फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, 3 मई के बाद लिया जाएगा निर्णय, इस पर बाकी सब आपका कीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसमें जो मेन पॉइंट है देख लीजिएगा। दोस्तों, एक और बात है, बीच में रुक गई स्नातक। देखिएगा दोस्तों, बीच में रुक गई प्रैक्टिकल की परीक्षा, जो 2017 और 23 सेशन था स्नातक वाला, उसमें क्या हुआ कि जो बीच में ही जैसे मार्च में आपका एडमिशन शुरू होना प्रैक्टिकल शुरू होने था प्रैक्टिकल, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया। तो इसमें हो सकता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुले पार्ट थ्री का परीक्षा प्रैक्टिकल या थ्योरी, देखिएगा दोस्तों, थ्योरी परीक्षा फॉर्म भी भरा जाना था इसी महीने मार्च महीने में, लेकिन उसको भी स्थगित कर दिया गया। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वीडियो बिहार यूनिवर्सिटी से आएगा नोटिफिकेशन, हम आपके पास पहुंचाएंगे फास्ट एंड फ्री। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।